بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله आवाज ऑनलाइन जो है वो सबको ठीक आ रही है जी बेहतरीन लाइट्स भी नजर आ रही हैं और वीडियो भी नजर आ रही जी, है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 5 आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 18 ए और बी इंशाल्लाह। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक क्विकली देख लेते हैं। हमने कोर्स 2 में पहले 5 पेजेस पढ़े मुसहफ से जिसमें हिदायत की बात हुई और ऐसे तबकात की बात हुई जिनके लिए हिदायत आई थी। कबूल करने वालों को मुत्तकीन कहा गया, इनकार करने वाले या काफिर हुए या मुनाफिर, और फिर कुरान की दावत और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, पहले फर्द जिन्होंने हिदायत कबूल की जिनकी तरफ हिदायत उतरी। और कोर्स 3 में हमने अगले 5 पेजेस पढ़े मुसहफ में से जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। कोर्स 4 में हमने मजीद 5 पेजेस पढ़े और बनी इसराइल ही के हालात और वाकयात का हमने मुताला किया। अब हम पढ़ रहे हैं कोर्स 5 जिसके इब्तदाई 2 सफहात जो हम पढ़ चुके हैं 16 और 17, वहाँ पर बनी इसराइल ही की बात थी। और आज से जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें कुछ बनी इसराइल की बातें और कुछ आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होगा। और हम इस कोर्स 5 के इशारात को फिर से अपने बाएं हाथ की उंगलियों के इशारे पर याद कर रहे हैं। तो 18वें सफ़े के इशारात हैं, या राजी न होंगे यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्ला और शहर मक्का। तो इसको मुख्तसरन हम याद करेंगे, राजी बनी इसराइल इब्राहिम बैतुल्ला, दोहराए, राजी बनी इसराइल इब्राहिम बैतुल्ला, राजी बनी इसराइल इब्राहिम बैतुल्ला, राजी बनी इसराइल इब्राहिम बैतुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ हम लेंगे इससे पिछली आयात में अल्लाह ताला ने अहले किताब के गलत कामों का तफसील से जिक्र किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की तरफ दावत देने की बहुत कोशिश की। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो आपकी कोशिशों से उस वक्त तक मुतमइन नहीं होंगे, यानी बनी इसराइल उस वक्त तक मुतमइन नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी ना करने लग जाओ। ये इसका पिछली आयतों के साथ खुलासा और ताल्लुक है। असबाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ने आपको बताया कि वो लोग उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी ना करने लग जाएं। और सच्ची हिदायत अल्लाह ही की तरफ से है, हमें उसको मजबूती से थामे रखना चाहिए और कुरान की तिलावत हमें दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, इसको पढ़ना और उसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। ये 3 बातें असबाब में हमें मिलेंगी। नए अल्फाज इन 2 आयात में हमारे लिए सिर्फ 2 आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़े हुए होंगे। तो तिलावत से शुरू करेंगे, पहली आयत की तिलावत मेरे साथ दोहराएं, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله
والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارہ جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آیا آپ کے پاس علم میں سے, تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار. یہ خطاب کس کو ہے؟ براہ راست خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پہلے مخاطب اور پھر ہم سب ان آیات کے مخاطب. ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تو ہم اللہ کو اپنا مددگار اور حمایت کرنے والا نہیں پائیں گے, اور اللہ کے مقابلے میں ہم اگر آ جائیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو تو ہمارا حال جو ہو رہا ہے تقریباً, شاید بہت سی باتیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے ہم نے کچھ اور چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. لفظی ترجمہ ولن اور ہرگز نہیں, ٹھیک ہے, ہم پڑھ چکے ہیں جب لن آتا ہے تو یہ ول ناٹ کا معنی دیتا ہے فیوچر کے لیے. ولن ترضا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے, عن کا آپ سے, الیہود یہودی, یہ پلورل ہے یہودیون کا, یہودیون ایک یہودی اور اس کا جمع ہے الیہود. ولن نصارہ اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی. حتیٰ یہاں تک کہ یا جب تک کہ, تتبعہ آپ پیروی کریں, ملتہم ان کی ملت کی یعنی ان کے دین کی آپ پیروی جب تک نہیں کریں گے یا آپ سے راضی نہیں ہوں گے. قل آپ کہہ دیں, ان ہدى اللہ بے شک اللہ کی ہدایت, والہدى وہی ہدایت ہے. ولئن ولئن تین لفظ ہیں, ولئن, اور یہ اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو محاورتاً اس کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو اردو میں ترجمہ اس کا صرف ان والا کر دیا جاتا ہے, لام جو تاکید والا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. ولئن اتبعت اور ولئن اتبعت اور اگر آپ نے پیروی کی, احواہم, احوا جمع ہے ہوا کی, کہ خواہش, آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد کے معنی میں, الذی وہ جو کہ, وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں, جا کا, جا کا, جا کا, وہ آیا آپ کے پاس, من العلم, علم میں سے, من العلم, علم میں سے, ما لکا, ما یہاں پر نہیں کے معنی میں, ہم نے پڑھا تھا ما کے دو معنی آتے ہیں, کبھی ما نہیں کے معنی میں آتا ہے اور کبھی جو کے معنی میں, اور ایک اور معنی پڑھا تھا جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ ما نہیں کا معنی بھی دیتا ہے. تو اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ یہاں پر بھی ما کے بعد فوری طور پر ایک اور حرف آ رہا ہے, حرف جر, تو ایسی صورت میں بھی ما نہیں کا معنی دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. کیا, کیا اور جو ایکچولی ایک ہی چیز ہے نا, شروع میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا اور درمیان میں ہوگا تو جو ہو جائے, وٹ کے معنی میں جی, وہ بھی ہے مالک کا, وہ بھی ہے, وہ پھر وہی ہے
कि जनरली ऐसा होगा कि माँ अगर फेले माजी के साथ आए तो नफी का माना देगा, और माँ के बाद हरफ जर आ रहा हो तो नफी का माना देगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बाज औकात माँ फिर इसके हरफ जर के साथ आएगा तो उसका माना वहां पर भी क्या वाला आ सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मालका नहीं है आपके लिए मिनल्लाही अल्लाह से, मिन वलीयिन कोई वली हिमायत करने वाला, वाला नसीरिन और ना मददगार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद नसारा को इस्लाम की दावत देने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, उसके बावजूद अक्सर लोगों ने और ख़ास तौर पर यहूद ने, और वैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तस्लीम किया, मान लिया और हक़ को कबूल किया, लेकिन अक्सरियत ने क्या किया, उस दावत पर कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं कि ये लोग उस वक़्त तक आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इस्लाम से किनारा कशी कर लें और उनके दीन की इत्तबा ना कर लें। तो उनकी इस तमन्ना के जवाब में अल्लाह ने हुक्म दिया, इन लोगों को बता दें कि हिदायत तो अल्लाह ही की तरफ से दी गई हिदायत है। यही वजह है कि उनकी तमन्नाओं की पैरवी नहीं की जा सकती और ना ही मैं आपकी तमन्नाओं की पैरवी करूँगा। किसी को खुश करने की खातिर उसकी आरजू और तमन्ना को पूरा करने में लग जाना दर हकीकत अपने आप को खुदकुशी की तरफ धकेलने जैसा है, किसी दूसरे के फायदे की खातिर। इसमें यह कहा जाता है कि किसी दूसरे की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत खराब कर देना हिमाकत है। किसी की दुनिया का फायदा करने के लिए अपनी आखिरत को खराब कर देना हिमाकत है। तो ऐसा इंसान खुद भी हिदायत से दूर हो जाता है और अल्लाह की हिफाजत से भी महरूम हो जाता है। लकुम दीनुकुम वलियदीन, जी बिल्कुल, के दावत पूरी दे दी, सारा काम किया जितना हो सकता था, बेहतर से बेहतर अंदाज से पैगाम पहुंचाया, इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर लकुम दीनुकुम वलियदीन। अच्छा, अल्फाज को अगर हम देखें तो नया लफ्ज आपको कौन सा महसूस हुआ है यहाँ पर इन दो फिक्रों में? नए लफ्ज जो है वो आए हुए हैं, तो नया लफ्ज यहाँ पर आपको क्या लगता है? मिल्लत जो है वो नए लफ्ज के तौर पर इस पर उर्दू का लफ्ज है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर देखें ना, उर्दू में जब मिल्लत बोला जाता है तो वहाँ मिल्लत कौम मुराद होती है, यहाँ पर दीन के साथ माना किया जा रहा है। अरबी की मिल्लत और उर्दू की मिल्लत थोड़ी मुख्तलिफ है, ठीक। और यहाँ पर क्या रहा है, अहवा, हवा पढ़ चुके हैं, हवा पढ़। तो खैर, बाकी सारे अल्फाज पढ़े हुए हमारे, अगर ये तर्जमा ना लिखा हुआ होता, इस तर्जमे को देखे बगैर अगर मैं कहूँ तर्जमा करें तो क्या तर्जमा करेंगे? मैं अल्फाज पढ़ता हूँ, आप तर्जमा करें, वलन तरदा और हरगिज राजी नहीं होंगे, अनका आपसे, अल यहूदु वलन नसारा आप इत्तबा करें उनके दीन की, कुल इन्ना हुदल्लाहि, बेशक हिदायत अल्लाह की, कुल इन्ना हुदल्लाहि, ये लिखा हुआ तर्जमा आप ना पढ़ें, आप खुद से करने की कोशिश करें, कुल इन्ना, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत, वल हुदा वही हिदायत है, वला इन तबाता और यकीनन अगर आपने इत्तबा की, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बादा बाद इसके, अल्लजी जाअका जो के आया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, मालका नहीं है आपके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में, मिन वलीयिन कोई मददगार, वला नसीर और दोनों का मदद माना मददगार ही का आ रहा है। सर, वली के माने दोस्त भी ले सकते हैं ना? जी, दोस्त भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत मुकम्मल होगी, दूसरी आयत तिलावत करें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله. जिन्हें हमने दी किताब वो तिलावत करते हैं उसकी, हक का तिलावती उसकी तिलावत का जैसा के हक है। उलाइका वही लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिही उस पर। वमई यकफुर बिही, और जो उसका इनकार करें, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, खसारा उठाने वाले हैं। तो सारे लफ्ज पड़े हुए हैं, अल्लजीना वो लोग, जो आतैना हुम, दो लफ्ज हैं, आतैना हुम हमने दी उन्हें, अल किताबा किताब, यतलूनहु क्या इशारा होगा, यतलूनहु का यतलूनहु वो तिलावत करते हैं उसकी, हक का तिलावती हक हक, और तिलावती उसकी तिलावत का, जो उसकी तिलावत का हक है। उलाइका युमिनूना बिही, यही लोग या वही लोग ईमान लाते हैं, बिही उस पर। वमन यकफुर बिही, और जो इनकार करें उसका, फउलाइका तो वही लोग, हुमुल खासिरून वही खसारे वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। तो वो अहले किताब जो अपनी किताब की दुरुस्त अंदाज में तिलावत करते हैं, वो इस्लाम को मान लेंगे। हक का तिलावत ही का क्या माना है कि उनको जो किताब दी गई उस किताब में आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां और अलामात बताई गई, और उन निशानियों और अलामात को देखते हुए वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम को कबूल कर लेंगे। तिलावत के दो माना बयान किए जाते हैं, एक ये है कि तिलावत करना और पढ़ना, जो हम आमतौर पर मुराद लेते हैं, और दूसरा माना है तिलावत का पैरवी करना। ठीक है, हमने टेबल की शायद पहले मशक कर चुके हैं इससे पहले, तला यतलू की। तो तला यतलू का माना होता है नक्शे कदम पर चलना, यानी एक के बाद दूसरा, यानी एक आदमी चल रहा है, वो आप चल रहे हैं, आगे मैं पीछे हूँ, तो जहाँ आपने पाँव रखा वहीं पर मैं पाँव रखूँ, इस अमल को कहते हैं तिलावत करना, पीछे पीछे चलना। तो इत्तिबा के माना में इस्तेमाल होता है। तो तिलावत के दो माना हो गए, तिलावत करना यानी पढ़ना, या इत्तिबा करना। तो वो किताब की तालीमात पर ईमान लाकर और अमल करके उस किताब की इत्तेबा भी करते हैं, ये लोग सच्चे अहले किताब हैं। दर हकीकत ये लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ला चुके और इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, जैसा कि अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु और सलमान फारसी और दीगर कुछ ऐसे हजरात थे, क्योंकि पहले यहूदी थे, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत पर भी ईमान लिया है। तो हमें भी कुरान के तमाम हुकूक अदा करने चाहिए, और वो हुकूक क्या है उसे सही पढ़ा जाए तजवीद के साथ। सबसे पहला हक, कुरान को सही अंदाज से पढ़ा जाए तजवीद के साथ, उसे समझा जाए, उसमें तदब्बुर किया जाए, गौर किया जाए, और उसे अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, और फिर उसकी आगे तबलीग भी की जाए, दूसरों तक भी उस पैगाम को पहुँचाया जाए। तो अगर कोई शख्स किताब को दुरुस्त अंदाज में पढ़ेगा जिसमें तदब्बुर भी शामिल हो, तो उसे ईमान की हिदायत मिल जाएगी। एक आदमी वो है जो कुरान को पढ़ता सही है तजवीद के साथ, उसको जो है वो समझता भी है, लेकिन तदब्बुर वाला एस्पेक्ट नहीं है, तो इस आदमी को हिदायत तक पहुंचने में शायद वक्त ज़्यादा लगे। लेकिन अगर वो हर आयत को पढ़ता है, समझता है, साथ उसमें तदब्बुर करता है, तो वो जल्दी हिदायत की तरफ पहुँचेगा और हिदायत पर है, इसीलिए कुरान पढ़ रहा है, तदब्बुर कर रहा है। तो उसके जितना कुरान पढ़ता चला जाएगा, तदब्बुर करता चला जाएगा, उसके ईमान में इजाफा होता जाएगा और मजबूती पैदा होगी। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तिलावत का हक ये है कि कुरान में मौजूद हलाल और हराम की पैरवी की जाए, यानी जिन चीज़ों को हलाल बयान किया गया है उसको हलाल समझा जाए,
और जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है उनको हराम समझा जाए, और अल्फाज को बदले बगैर और गलत मफहूम बयान किए बगैर सही तिलावत की जाए। अल्फाज को बदले बगैर और गलत मफहूम बयान किए बगैर सही तिलावत की जाए। अल्फाज को बदल अल्फाज को हम नहीं बदल सकते, लेकिन बाज़ लोगों ने बदलने की कोशिश की है, ठीक है। यानी जब इब्तिदा में कुरान हमारे सामने, तो ये अब नुक्ते भी आ गए, जेर जबर भी आ गई, शदमत सारा कुछ आ गया। इब्तिदा में तो कुरान इस तरीके से नहीं था, नुक्ते भी नहीं थे, शदमत भी नहीं थी, तो उस वक़्त पढ़ने में गलती का इम्कान मौजूद था कि एक सर अहले ज़ुबान तो वो थे ना, वो लिखा किसके लिए गया था, वाले जुबान के लिए तो इतना ज्यादा वो नहीं था, वो तो उन लोगों के लिए जो बाहर से अजम आ रहे थे, अजमी, उनके लिए लिखा जा रहा। और जो मैंने शायद मिसाल दी थी इसी क्लास में नहव के हवाले से, नहव की अहमियत के हवाले से, कि सूरह तौबा की आयत है गालिबन कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह बरीउ मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, तो ये आयत एक जो है वो अजमी मुसलमान, एक बद्दू देहाती नए मुसलमान को कुरान पढ़ा रहा था, तो उसने इस आयत को पढ़ाया इन्नल्लाह बरीउ मिनल मुशरिकीन व रसूलिही, व रसूलुहु की जगह व रसूलिही, जेर जबरे नहीं लगी हुई थी, तो उन्हें पढ़ा दिया। अब रसूलुहु अगर पढ़े तो मतलब कुछ और है, रसूलिही अगर पढ़े तो मतलब कुछ और है। जानबूझकर ये गलती नहीं थी, तहरीफ बदलना नहीं था, लेकिन गलती का इम्कान मौजूद था। तो एक ये है कि गलती का इम्कान मौजूद हो, गलती से बदल दिया जाए, और दूसरा ये है कि जानबूझकर बदला जाए। जानबूझकर बदलने की कोशिशें भी की गई हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हिफाजत का वादा कर रखा है तो वो गलतियां और वो तब्दीलियां हो नहीं सकी ना। मफहूम मफहूम के अंदर तब्दीली की तो बहुत मिसालें हैं, वो तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी कि मफहूम हर तबके ने, हर फर्द ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कुरान के मफहूम में तब्दीलियां कर रखी हैं। तो ये शर्त है कि अल्फाज को भी ना बदला जाए और मफहूम को भी ना बदला जाए, और हलाल और हराम को सही समझा जाए। तो ये कुरान की तिलावत का हक है। पहली बात क्या, हलाल और हराम की पैरवी की जाए, अल्फाज को ना बदला जाए, मफहूम को ना बदला जाए, तीन काम करेंगे तो कुरान की तिलावत का हक अदा होगा। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तिलावत का हक ये है कि कुरान की जिस तरह पैरवी की जानी चाहिए उसी तरह पैरवी की जाए। तो कुरान की पैरवी के लिए हमारे पास रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिनको खुद अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक नमूना है। तो आतैनाहुमुल किताब, हमने उन्हें किताब दी, ये अल्फाज आमतौर पर दोनों तरह से यूज़ हुए हैं। आतैनाहुमुल किताब, हमने उन्हें किताब दी, और ऊतुल किताब, उन्हें किताब दी गई। ये दो तरह से जो है वो इस्तेमाल हुए। तो आतैनाहुमुल किताब उस वक्त आएगा जब अल्लाह खुशी का इजहार कर रहा है रजा और एक नॉर्मल वे में, और ऊतुल किताब जो है वो जब नाराजगी और गुस्से का इजहार मकसूद होगा, उस वक्त ऊतुल किताब वाला अंदाज इस्तेमाल होता है। तो तदब्बर और तज़क्कुर का पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए इस्लाम को पसंद नहीं करते कि वो सच्चाई की इत्तेबा करना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो हक को लेकर चलना ही नहीं चाहते, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंची है, गलत मालूमात पहुंची हैं, और इसलिए भी हो सकता है कि शैतान जो है वो उनको कंफ्यूज करता रहता है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, कभी वो कहते हैं कि ये सही है, कभी कहते हैं नहीं है। तो फिर ऐसे लोग जो खुद कंफ्यूज हैं, या उनके पास गलत मालूमात हैं, या वो खुद सच्चाई को अपनाना ही नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, उनके पास जो ज़राए मौजूद हैं उन ज़राए को इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के बारे में मनफी नज़रियात पेश करते हैं, मनफी बातें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले कुछ ब्लॉगर्स को जो है वो एक इशू उठा था कि उन्होंने गुस्ताखियां की हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर उनके केस बने, फिर वो भाग गए। तो बाई चांस, अगरचे इरादतन नहीं, लेकिन बाई चांस जो है वो उनमें से एक की एक दो वीडियोस मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ,
तो मैं यही समझा कि ये आदमी जो है वो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से इसके दिल में जो है वो जहन में कुछ ख्यालात आए हैं, और उन ख्यालात को जब इसने बयान किया है तो फिर अब इसको उठा भी लिया गया। पीछे जो सपोर्ट करने वाले हैं ऐसे जो इस तरह की चीज़ों को फैलाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्यूजन हमारे यहाँ मुसलमानों में भी पैदा होती हैं बाज़ औक़ात। जो सही सच्चे पक्के मुसलमान हैं बाज़ औक़ात किसी बात को देख कर कोई जो है वो तशनगी पैदा हो सकती है कि ये मामला ऐसा क्यों है, इस तरह का क्या मामला है। लेकिन अब जो तो होगा सही दुरुस्त और हक को तलाश करने वाला, वो तो जो है वो कुरान से लेगा, हदीस से लेगा, या किसी ऐसे से लेगा जो कुरान या हदीस के मुताबिक उसको समझा दे और वो अपने ट्रैक पर रहेगा। लेकिन अगर कोई इस अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बजाय इसके कि वो कुरान हदीस से या हामिल कुरान हदीस से रब्ता करे, वो किसी ऐसे शख्स के पास चला जाए जो ऑलरेडी एक डी ट्रैक हो चुका है, तो खुद तो जो है गुमराह हो ही चुका है, दूसरे को भी गुमराही की तरफ लेकर जाए। तो ऐसे लोग फिर अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के मुतालिक गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। मुशरिकीन मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसी किस्म की कोशिशें की हैं, बहुत सी बातें इस तरह की कोशिशें की। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है वो मुझे मेराज करवाया गया तो उस पर मजाक उड़ाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, और ताइफ में गए जाकर उनको बताया तो उन्होंने कहा कि क्या मक्का और ताइफ में अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला था, तुम हमें कोई एक रीजन दो कि तुम्हें ही अल्लाह ने क्यों नबी बनाया। इस तरह की कन्फ्यूजन के क्यों तुम्हें क्यों नबी बनाया, ये इसको क्यों नहीं बनाया, वो सरदार था ये सरदार था, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुई हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुद घबराए और ना ही हमें ये जो है वो सबक दिया कि हम इस तरह की साजिशों से और इस तरह की कोशिशों से परेशान हो, इसलिए हमें घबराना नहीं है। आजकल तो हमारा ये कौमी स्लोगन भी है कि हमें घबराना नहीं है, नेशनल स्लोगन है। तो ऐसी सूरत हाल हमारे लिए एक मौका होती है कि हम इस्लाम के सही पैगाम को समझें और उसको फैलाएं। अच्छा, अब ये बात आ रही है खतरनाक, हमें हिजाब के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिजाब का हुक्म अगर हमें मिलता है कुरान से, हदीस से, शरीयत हमें कहती है कि ख्वातीन हिजाब करें, तो हम उसको दुरुस्त और पॉजिटिव वे में लोगों तक बात को पहुंचाएं। और दूसरा लिखा हुआ एक से जायद निकाह, ये मैंने इसी में कहा था कि आज बहस हो सकती है। तो ये माशरे की जरूरत है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो जरूरत है। लेकिन बाकी ममालिक में तो बहुत सी जगहों पर ये एक आम सी बात है, इसको कोई ऐप नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इसको बहुत ज्यादा ही जो है वो कुछ पता नहीं हिंदुओं के साथ रह रह के गुनाह समझा जाता है ऐसे ही। जी तो ये भी है कि इसके लिए जो है वो मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ आपको बताऊंगा फजाइल इसके, सुनाऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन आप अगर मुझे कहें कि बिस्मिल्लाह आप करें तो मैं भी नहीं करूँगा। तो हर आदमी का यही हाल है, कोई वजह है। तो ख्वातीन के मसावात के मुताल्लिक जो है वो हमारे यहाँ भी इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं जी के ख्वातीन को बराबर हुकूक नहीं मिल रहे। तो ख्वातीन के लिए बराबर हुकूक तो इस्लाम और शरीयत ने नहीं दिए, जो एक बुनियादी है वो तो है, लेकिन बाकी तो अल्लाह ने एक उसूल बता दिया है कि अर्रिजालु कवामूना अलल निसा, मर्द हाकिम है औरतें उनके मातहत रहेंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उनकी गुलाम हो गई हैं, ऐसा भी नहीं है। जो जो है वो शरीयत की नज़र में जो उनकी जरूरियात और उनको जो सहूलियात उनके हकूक बनते हैं उसके लिए शरीयत ने मर्दों को पाबंद बनाया है कि वो उन सारी जरूरियात को उन्हें मुहैया करें। और जो लोग हकीकी मानों में इस्लाम के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं वहाँ इस तरह के कोई इश्यूज नहीं। ये प्रॉब्लम्स वहीं पर हैं कि जहाँ पर दीन को पीछे रखा जाता है और इलाकाई रिवाजों को रिवायात को लेकर चला जाता है, फिर वहाँ पर इस तरह की खराबियाँ पैदा होती हैं और फिर
उस वजह को नहीं देखा जाता जिस वजह से ये खराबी आई है, उस माशरे के ओवरऑल हालात को देखकर ये कह दिया जाता है जी मुसलमान जो है वो इस्लाम औरत को दबाता है, हालांकि इस्लाम औरत को नहीं दबाता। अब ये तो ग्रामेटिकली भी अगर देखें तो कवाम का माना ही है कि उसको जरा चलाने वाला, ठीक है, कायम से कयूम से, कयूम अल्लाह का नाम है तो अल्लाह के लिए हम जब कयूम कहते हैं तो माना कि उसको कायम रखने वाला, तो कवाम भी उसी से है। तो सही मौकफ इस्लाम का समझना चाहिए और फिर उसे लोगों के सामने मुनासिब अंदाज में पेश करना चाहिए, ठीक है। ये तीन मिसालें दी हैं, हिजाब, एक से ज्यादा निकाह और खवातीन के मसावत, और भी बहुत सारी अकायद के हवाले से बातें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं अकायद के हवाले से जिसके जिस बारे में जो लोग मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको उसमें कुछ कन्फ्यूजन हैं। तो मसला क्या है कि उन तक या तो गलत इंफॉर्मेशन पहुँची हैं या वो खुद किसी बदनीयती का शिकार है। तो दोनों सूरतों में अगर हम सही मानों में पहले खुद समझें और फिर उनको मुनासिब अंदाज में बात को पहुंचाएं। अब हम लेते हैं हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लजी यक्रउल कुरआना, मसलु मिसाल उस शख्स की, यक्रउल कुरआना जो कुरान को पढ़ता है, किरात करता है, कल उतरुज्जती, उतरुज्जा का क्या मानना है जी, संतरा, उतरुज्जा संतरा ऑरेंज उसकी तरह है, तामुहा तैयब उसका जायका अच्छा है, और वरीहुहा तैयब और उसकी खुशबू भी अच्छी है, वल्लजी ला यक्रउल कुरआन और वो जो कुरान नहीं पढ़ता, कतमरती के वो खजूर की तरह है, तामुहा तैयब के उसका मजा तो अच्छा है लेकिन उसकी खुशबू नहीं है, वह मसलुल फाजिर अल्लजी यक्रउल कुरआन और ऐसा फाजिर शख्स जो कुरान को पढ़ता है उसकी मिसाल का मसल रैहाना, उसकी मिसाल रैहाना, रैहाना रैहाना ही तर्जुमा किया गया है कि उसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन उसका जायका कड़वा है, वह मसल फाजिर अल्लज़ी ला यक्रउल कुरआन का मसल हंजला और जो फाजिर कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल हंजल, हंजल कहते हैं इंदराइन, इंदराइन को हम अपने इसमें अगर कहें तो वो उसको क्या कहते हैं, वो हकीमों और कंसार वो अपनी फकीयों में यूज करते हैं, तुम्मा, तुम्मा जानते हैं, तुम्मा कड़वा होता है, तो वो है जिसका मजा भी कड़वा है और कोई खुशबू भी नहीं है। तो खाने का क्या मतलब है, अच्छा न्याज को, वल्लाहु अच्छा जी क्या सवाल था जी ऑनलाइन कोई, रेहाना, रेहाना, अब यहाँ पर तर्जमा रेहाना दिया हुआ है, यहाँ क्लास में बता रहे हैं गालिब साहब, रेहाना जो है वो उर्दू में आप पता उसको क्या, वो कह रहे हैं पंजाबी में इसको नाम दिया जाता है नियाज वो, अब वल्लाह आलम उसको उर्दू में क्या कहते हैं, तुलसी उर्दू में ही नियाज वो कहते हैं, वल्लाहु आलम, चले इसको इसको रिसर्च करें, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आप लोग, ठीक है जी। तो मिसाल याद देने का क्या मकसद है कि एक है मुसलमान मोमिन, जो कुरान मुसलमान मोमिन है उसके अंदर ईमान की हलावत मौजूद है, अब अगर वो कुरान भी पढ़ेगा तो उसकी मिसाल जो है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसा फल जो उसकी खुशबू अंदर भी है, जायका अंदर जा रहा है तो वो भी मजेदार और उसकी खुशबू भी फैल रही है, तो अंदर भी बेहतरीन खूबसूरती और बाहर भी खुशबू फैली हुई है। लेकिन अगर बदकार मुनाफिक जो कुरान की तिलावत नहीं कर रहा तो एक तो अंदर जो है वो जिसको फजूर की कड़वाहट और गंद और कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा तो जाहिर भी खराब बातिन भी खराब, और कुरान की तिलावत कर रहा है और मोमिन है तो जाहिर भी अच्छा बातिन भी अच्छा, ठीक, और दरमियान में आ जाते हैं कि मोमिन है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करता तो अंदर ईमान तो मौजूद है, उसकी खूबसूरती तो है लेकिन उस ईमान का इजहार तिलावत कुरान की सूरत में नहीं हो रहा तो दूसरे लोगों को खुशबू नहीं पहुंचती, या फाजिर है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है तो है तो अंदर जो है वो फिस्क फुजूर भरे पड़े हैं लेकिन कुरान की तिलावत की वजह से किसी हद तक जो है वो एक अच्छाई आ गई है।
तो हमें कौन सा बनना चाहिए? सबसे पहले वाला, जिसकी मिसाल दी गई है संतरे के साथ कि हम बुरतुखाल भी है, ये उत्तरज्जा, उत्तरज्जा पुरानी अरबी है ना, बुरतुखाल तो शायद इसको कहीं किसी मगरबी जुबान से ले गए हो, बुरतुखाल कर दिया हो। तो तर्जुमे की मशक करें जी, अल्लदीन आतैना हुमुल किताबा, जिन्हें हमने दी किताब, यतलूनहु हक तिलावती ही, वो तिलावत करते हैं उसकी, तिलावत है जैसा कि उसकी तिलावत का हक है, उलाइका युमिनून बिही, वो भी लोग ईमान लाए इस पर, वमन यकफुर बिही, और जो इंकार करें, उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। दोनों आयतों का बामुहावरा तर्जमा, और आपसे हरगिज राजी ना होंगे यहूदी और ना नसारा जब तक के आप उनके दीन की पैरवी ना करें। आप कह दें बेशक अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की बाद इसके जबकि आपके पास इल्म आ गया, आपके लिए अल्लाह से कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा और ना ही मददगार होगा। और हमने दी है जिन्हें किताब, वो उसकी तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसका इनकार करें वही नुकसान उठाने वाले हैं। तो असबाब फिर से ताज़ा कर लें जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बेहतर से बेहतर अंदाज में दावत दी, लेकिन साथ बता दिया कि ये उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके दीन की पैरवी ना करें। और सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आएगी, हमें उसे मजबूती से थामे रखना चाहिए, यानी कुरान की सूरत में हमारे पास आ चुकी है, हमें इसको मजबूती से थामना चाहिए और कुरान की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करनी चाहिए, और उसके साथ साथ उस पर अमल भी होना चाहिए। तो हम सब दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको ईमान पर साबित कदमी अता फरमा, तेरी किताब की पैरवी करने वालों से और भटकाने वालों का शिकार बनने से हम सबकी हिफाजत फरमा। आजकल दौर है सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया, ये जो है वो आपको भटकाने के हजार रास्ते निकालते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आइंदा के लिए प्लान कि मैं अपने आप को तैयार करूंगा ताकि दूसरों को इस्लाम का पैगाम बेहतर से बेहतर तरीके से पेश कर सकूं, लेकिन उससे पहले करने वाला काम क्या है कि खुद इस्लाम के पैगाम को समझूं, सही और हकीकी इस्लाम के पैगाम को समझूं, और फिर उसको बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुँचाऊँ। जी जी जी, नहीं ये हु और ही एक ही है ना, यहाँ पर तिलावती ही इसलिए हो गया कि तिलावत के आखिर में जेर थी, तो अब तिलावती हु मुश्किल था तो इसलिए तिलावती ही हो गया, है वो ये हुआ ही को रिप्रेजेंट कर। तो अस्मा पहला इसम आ रहा है मिल्लत, तो ये वाहिद है, इसकी जमा मिलल, मिल्लतुन वाहिद है और इसकी जमा आएगी मिललुन, मजहब को कहते हैं, कौम को कहते हैं, दीन को कहते हैं, तो मिल्लतुन वाहिद इसकी जमा मिललुन। दूसरा इसम अहवा, ये जमा है और इसका वाहिद हवा, ख्वाहिश, और आमतौर पर ये बुरी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है, हवा जो है वो बुरी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। जी इल्म इसकी जमा उलूम, इल्म इसकी जमा उलूम, और उसके अलावा वली, तो वली वाहिद है और इसकी जमा औलिया, जमा मुकसर हम क्यूसी फोर में और क्यूसी टू में पढ़ चुके हैं, उसमें ये औलिया आ चुकी है, और उसके अलावा किताब है तो किताब की जमा कुतुब, और
तीन हरफी से हतन अफाल को देखें तो पहला आ रहा है इल्म, इल्म मसदर है, इसके छह चाबियां बनेंगी, आलिमा यालमु इलम, आलिम मालूम इल्म, इल्म का माना जानना और आलिमा का माना उसने जाना। यकफुर कौन सा टेबल है, कफारा यकफुरु, पैटर्न क्या होगा, नसरा यंसुरु, कफारा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफर, इनकार करना कुफर करना छुपाना, कफारा उसने इनकार किया, उसने कुफर किया या उसने छुपाया। खासिरून कौन से टेबल से आएगा जी, खसारा या खसीरा, खसीरा समीआ का पैटर्न, खसीरा यखसरु इखसर, खासिर मकसूर खुसर, खसी फिर करें, खसीरा यखसरु इखसर, खासिर मकसूर खुसर, नुकसान उठाना और खसीरा उसने नुकसान उठाया। वो बोला खुसर ये नहीं है जी, खुसरान भी मस्तर है इसका, ये उर्दू वाला खुसर नहीं है जी। अच्छा जी, तीन हर्फी कमजोर अफाल में रजिया आ रहा है, पहले तो तर दा है, ठीक है, तो ये आएगा रजिया यर दा, ये हम टेबल हमने पीसी टू में पढ़ा था, नसिया यंसा, खशिया यख्शा, रदिया यर दा, तो रदिया यर दा इर दा, राधिन मर्दियुन रिद्वान, राजी होना, रदिया वो राजी हुआ। फिर हुदा मस्तर आया है दो मर्तबा, हुदल्लाही और हुवल हुदा, रिजाउन रिजाउन रिद्वान, ये दोनों मस्तर इस्तेमाल, हदा यहदी इहदी, हादिन महदीयुन हुदन और हिदायतुन, दोनों मस्तर इस्तेमाल होते हैं। जाआ कभी हम टेबल कर चुके हैं, जाआ यजीउ जि, जाइन मजीउन मजीअतुन आना, और यतलू लहू तला यतलू, कौन सा पैटर्न है, नसरा बाब है, और तला यतलू की तरह का टेबल हमने कौन सा पढ़ा है प्रैक्टिस में, दा यदरू, नहीं जा असमिया से, जा आ सर जा दरबा से, सॉरी जी सर जी सॉरी, समिया से नहीं है, दराबा से, जा ये जा लिखा हुआ है, जा से मुराद यहाँ क्या है, हमने इससे मिलता जुलता जा की तरह मिलता जुलता जो पढ़ा है, जा एक्चुअली खुद भी पढ़ा था, लेकिन जो इस पैटर्न का हमने पहला पढ़ा था वो था ज्यादा, ज्यादा यजीदू, जा यजीद, ठीक है, तो ये जा वो लिखा हुआ है, जा ज्यादा यजीदू जिद, जाद मजीद ज्यादा, तला यतलू उतलू, तालिम मतलूबुन तिलावतु, तिलावत करना पैरवी करना, मजीद फी ही तत्तबिया, तो तत्तबिया तख्तलिफा की तरह आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा फिर यहाँ क्या आएगा, इत्तबा यत्तबिउ इत्तबिउ मुत्तबिउ मुत्तबाउ इत्तबाउ, पैरवी करना, और ये इख्तलाफा का पैटर्न, इसके एक्चुअल जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, मादे के अल्फाज ता बा आइन, इत्तेबा करना। आतीना तो हमने टेबल किया हुआ है, आता युक्ति आती, मुक्तिन मुक्तन ईताउन, युमिनूना भी कर चुके हैं, आमना युमिनु आमिन मुमिन मुमन ईमान। अब ये आ गया जी जो लम वाले, एक छुरी डबल छुरी या हथौड़ी, तो हत्ता तत्तबिया में क्या है, हत्ता तत्तबिया
ये हथौड़े वाला है, हत्ता के बाद असल में क्या था, तत्तबीरू, आप इत्तेबा करें, हत्ता के बाद जो है वो तत्तबीआ हो गया है। उससे पहले एक और भी तो है, ये देखें लिखा हुआ है क्या, फिर मुजारे से पहले ली आ जाए, नन अन और हत्ता, तो नन यहाँ भी आया हुआ है तरदा, लेकिन जी हर्फ जर भी है, जब वो इसम के साथ आएगा तो हर्फ जर होगा और फेल के साथ आएगा तो ये फेल को आखिर में नसब। तरदा में क्या हुआ है, तरदा तो पहले भी तरदा था अब भी तरदा है, तो क्या फर्क पड़ा है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये उसी तरह रहेगा, दोनों सूरतों में ये एक ही रहेगा, तरदा इधर भी तरदा रहेगा और इसके साथ अन इससे पहले आ जाए तो भी तरदा ही रहेगा, जो उसको पहले से अच्छे तरीके से सीधा किया हुआ है। अगर हम इसको समझना चाहें तो ये तरदा असल में ये क्या था, कौन सा पैटर्न है, रदिया या रदा, समिया का पैटर्न है ना, तो समिया से माजी बन गया रदिया यर, समिया से यस माऊ है तो ये बनेगा यर दायू, ऐसे ही है। अब इससे पहले हमने लगा दिया लम यर दायू था, तो इस लंग की वजह से ये जो या के ऊपर जबर थी पेश थी वो जबर में बदल गई, लें यार दाया हो गया। अब जिस वजह से यार दायू को यार दा कर दिया था उसी वजह से यार दाया को भी यार दा कर दिया, सामने नजर आने वाली शक्ल एक ही आ रही है और वो वजह हम किसी को कई दफा दोहरा चुके हैं। आपको पता है, याद है कि जब कमजोर हर्फ के ऊपर हरकत हो तो उसकी हरकत नहीं पड़ी जाती, मुश्किल होती है, तो या वो ड्रॉप हो जाती है या वो शिफ्ट हो जाती है, तो अगर यहाँ पर पहले हरकत मौजूद है तो फिर ड्रॉप हो जाएगी और इस कमजोर हर्फ को पिछली हरकत के मुताबिक जो भी कमजोर हर्फ बनता है वाओ या अलिफ उसके में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आज ये मैंने इसको मिटा दिया, इस पे वही यही सारी प्रैक्टिस लिखी थी, मुझे अगर जहन में होता तो मैं उसको ना मिटाता। ठीक है, तो ये इसलिए तलबा के अंदर तब्दीली नहीं आई है, एक्चुअली आई है लेकिन जाहिरन हमें देखने में नजर नहीं आ रही। और मैं यकफुर में सिंगल छुरी वाला अमल है, मन शर्त के वाला शर्त के लिए आया है, मैं यकफुर जो कुफर करे, मैं यकफुर जो कुफर करे, तो ये एक दफा छुरी का अमल हुआ अपने, यानी इस मन ने अपने बाद एक फेल मुजारे को जज़्म दे दी है। ठीक है जी, और इसमें जोड़ियां अगर मैं पूछूं तो जोड़ियां कौन कौन सी आई हुई हैं, ताल्लुक वाली जोड़ी हमने पढ़ ली है ना, बैतुल्ला नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ी है, ठीक है, अनका आया है, जार मजरूर, मिनल इल्मी आया है, जार मजरूर वाली जोड़ियां तो है मिनल्लाहि, मिन वाली मिनल इल्मी, बिही वगैरह जो आया हुआ है ये इस्तेमाल हुई है जोड़ियां हर्फ जर वाली। अभी आपको सिर्फ लेकर चलना है उस तरीके से कि आप फेमिलियर हो जाएंगे इस तरह की कुछ चीजें हैं, जब आप सिक्स में जाएंगे ना तो फिर आपको उसी पर ले आएंगे सारा, यानी ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं ना अभी। आ जाएंगे आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी दूसरी जोड़ी इसम और सिफत, एक्चुअली हम इसको शुरू कर चुके हैं, इसी का हमने वाहिद के साथ प्रैक्टिस की थी, आज हम देखेंगे जमा के साथ।
अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से हैं, सर्फ और नाफ। सर्फ हरूफ से अल्फाज बनाना और नहव अल्फाज से जुमले बनाना या जोड़ियां बनाना। ये तारीफ याद रहेगी। और नहव में क्या होता है, लफ्ज के आखिर वाली हरकत के मुतालिक बात होती है कि कब पेश आएगा, कब जबर कब जेर आएगा। और जुमले में उस लफ्ज के रोल के मुताबिक जेर जबर पेश तब्दील होती रहेगी। हमने अब तक चार किस्म के जुमले पढ़े हैं और दो जोड़ियां पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो चार जुमले हमने जो पढ़े उसकी जो है वो इशारों के साथ प्रैक्टिस करें। अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, कानल्लाहु गफूरन, खलकल्लाहुल अर्दा। फिर से अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, कानल्लाहु गफूरन, कानल्लाहु गफूरन, खलकल्लाहुल अर्दा, खलकल्लाहुल अर्दा। और दो जोड़ियां हमने पढ़ी, फिल अर्दी और बैतुन कबीरुन। पहली जोड़ी हमने पढ़ी है हर्फ जर वाली, दूसरी हमने पढ़ी है सिफत वाली जोड़ी, यानी ये जोड़ी आती है कैसा के जवाब में, ठीक है। ये जोड़ी आती है कैसा के जवाब में। आप कहते हैं फिल अर्दी बैतुन, तो सवाल हो कैसा घर, जमीन में एक घर है, कैसा घर है, तो अब जवाब दिया जाएगा बैतुन कबीरुन। तो बैतुन कबीरुन में दो किस्म होते हैं, पहले को इसम या मौसूफ कहते हैं और दूसरे को सिफत कहते हैं। पहला मौसूफ और दूसरा सिफत, और ये चार बातों में एक जैसे होते हैं। और वो चार बातें क्या हैं कि अगर पहले वाला मुजक्कर है तो दूसरा भी मुजक्कर, पहला मुअन्नस और दूसरा भी मुजक्कर मुअन्नस में एक जैसे होंगे, वाहिद जमा में एक जैसे होंगे, और हरकत जो होगी जबर जेर पेश उसमें भी दोनों एक जैसे होंगे। और चौथी चीज क्या है, अलिफ लाम। अगर पहला वाला अलिफ लाम के साथ आ रहा है तो दूसरा भी अलिफ लाम के साथ आएगा, पहला बगैर अलिफ लाम के तो दूसरा भी अलिफ लाम के साथ आएगा। तो इन चार चीजों में ये सेम होते हैं। और अरबी जुबान में, उर्दू में हम कहते हैं बड़ा घर, लेकिन अरबी में घर को पहले जिक्र किया जाता है और उसकी सिफात बाद में बयान की जाती है। तो जो हमने पढ़ा है उसकी मैं बोलता हूँ हालत, आपने जुमला बोलना है इशारों के साथ। असली हालत क्या है, बैतुन कबीरुन। असली हालत बैतुन कबीरुन, असर पढ़ने की सूरत में बैतन कबीरन, असर पढ़ने की सूरत में बैतन कबीरन, हर्फ जर के बाद बैतिन कबीरन, हर्फ जर के बाद बैतिन कबीरन। अल्हम्दुलिल्लाह, टीपीआई के साथ मश करें। हाजा बैतुन कबीरुन, माना ये बड़ा घर है, ये बड़ा घर है। रआ ज़ैदुन बैतन कबीरन, क्या माना, देखा जैद ने बड़ा घर। ज़ैदुन फी बैतिन कबीरन, जैद बड़े घर में है, जैद बड़े घर में है। देखें यहाँ पर है, सीधा बता रहे हैं हाजा बैतुन कबीरुन, ये बड़ा घर है। अब रा देखा, पहला सवाल किसने देखा, किसने देखा, जैद ने देखा, जैद को हटाते हैं हम कहते हैं रा हाकिमुन, आपने देखा। मैं कहता हूं किसको देखा, घर को देखा, तो आप एक फेल कर रहे हैं देखने वाला, करने वाले हैं आप, आपके देखने का जो असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, घर पर पड़ रहा है। तो जब असर पड़ता है यानी एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो फिर वो जबर के साथ आता है, ठीक है जी। मुस्लिमुन सादिकुन के साथ प्रैक्टिस दोहराएं। मुस्लिमुन सादिकुन, मुस्लिमन सादिकन, मुस्लिमिन सादिकिन, और जा मुस्लिमुन सादिकुन, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन,
समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। तो ये फर्क जो है वो वाज़े हो रहा है। असली हालत है तो पेश के साथ, असर पड़ रहा है तो ज़बर के साथ, और अगर हर्फ़े जर आ रहा हो तो फिर ज़ेर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था इआदा। अब हम लेंगे दूसरी जोड़ी ही की जमा की मिसालें। तो मुस्लिमुन सादिकुन था, तो हमने बात की थी कि अगर जमा ये जमा होगा तो ये भी जमा आ जाएगा। तो मुस्लिमुन सादिकुन, इसकी जमा क्या आएगी? मुस्लिमूना सादिकूना। दोहराए, मुस्लिमूना सादिकूना। असली हालत मुस्लिमूना सादिकूना। नसब की हालत मुस्लिमीना सादिकीना। नसब की हालत मुस्लिमीना सादिकीना। जर की हालत मुस्लिमीना सादिकीना। जर की हालत मुस्लिमीना सादिकीना। जुमलों के साथ अगर हम दोहराए तो जाआ मुस्लिमूना सादिकूना। मुस्लिमूना सादिकूना। जाआ मुस्लिमूना सादिकूना। दोहराए, रआ ज़ैदुन मुस्लिमीना सादिकीना। रआ ज़ैदुन मुस्लिमीना सादिकीना। समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमीना सादिकीना। समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमीना सादिकीना। समिया ज़ैदुन मिन मुस्लिमीना सादिकीना। अगर था मुस्लिमुन तो इसको हम कह रहे थे ये रफा की हालत है, तो यहाँ पर रफा की हालत बयान करने के लिए इंडिकेटर क्या है, पहचान क्या है? पेश, दो पेश या पेश। और मुस्लिमन था तो यहाँ पर नसब की हालत बताने के लिए इंडिकेटर जबर, और मुस्लिमिन में जेर। मुस्लिमूना इसमें रफा की हालत बताने के लिए क्या है, वाव नून या सिर्फ वाव? सिर्फ वाव, इसको याद रखें, क्योंकि नून हर हाल में नून पर जबरी के साथ आएगा। मुस्लिमीना में भी नून पर जबर है और मुस्लिमूना में भी नून पर जबरी है। रफा की हालत बताने के लिए मुस्लिमूना में क्या है, वाव, रफा। रफा की हालत बता रहा है मुस्लिमूना सादिकूना, तो रफा की अलामत क्या है, वाव। और रआ ज़ैदुन मुस्लिमीना सादिकीना, नसब है तो नसब की अलामत या नून में। और इसी तरह मिन मुस्लिमीना आ जाए मजरूर है तो जर की हालत बताने की अलामत या है। नून को हम अलामत कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हर दफा यही रहेगा। मुस्लिम वाव के साथ हो तो भी मुस्लिमूना है, और या के साथ हो तो भी मुस्लिमीना। नून पर हर हाल में जबर ये, जो चेंज हो रहा है वही इंडिकेटर, ठीक है? इसको जहन में रखिए, अच्छी तरह से जहन में रखिए, क्योंकि ये गलती बाज़ूकात अगर रह जाए तो ये फिर आगे बड़ी दूर तक जाती है। मुस्लिमूना अगर जो है वो सवाल दे दें कभी क्विज में जी, कि मुस्लिमूना की अलामत किस हालत में है, तो लिख देंगे जी रफा की हालत में। तो इसके रफा की अलामत क्या है, तो वाव भूल जाएंगे, नून की जबर लगा दें, कहेंगे जी ये जो जबर लगी गई है, ऐसा आता है बाजू का। तो इस पहचान को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। अलिफ लाम के साथ अगर होगा वो सर, वाउनून और यानून नहीं लिख सकते, खाली वाव और या ही लिख दो, सिर्फ वाव और या होगी। नून तो अलामत नहीं है, नून ना भी हो तो भी, अगर नून नहीं है किसी मौके पर, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कभी कभी ये नून नहीं होगा, तो वाव तो फिर भी है, मरफू तो वो फिर भी है, ठीक है? तो हमने ये भी बात की थी कि वो वाहिद के साथ वाहिद, जमा के साथ जमा, और इसी तरह बात की थी कि अल मारिफा होगा तो ये भी मारिफा। तो अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना, अल मुस्लिमूना अस्सादिक, अल मुस्लिमीना अस्सादिकीना, अल मुस्लिमीना अस्सादिकीना, अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना, अल मुस्लिमीना अस्सादिकीना,
المسلمين الصادقين جملوں میں پریکٹس جاء المسلمون الصادقون کیا معنی ہوگا آئے بہت سے خاص مسلمان جو کہ سچے ہیں تو جاء المسلمون الصادقون رأى زيد المسلمين الصادقين رأى زيد المسلمين الصادقين سمع زيد من المسلمين الصادقين سمع زيد من المسلمين الصادقين کہ ہم پریکٹس کو سامنے رکھنے کے لیے الصادقین کر رہے ہیں ورنہ ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے جاء المسلمون الصادقون رأى زيد المسلمين الصادقين سمع زيد من المسلمين الصادقين قرآن سے مثالیں دیکھ لیں جی والله لا يهدي القوم الظالمين القوم الظالمين اشاروں کے ساتھ دہرائیں والله لا يهدي القوم الظالمين صرف اس صفت والے حصے کو دہرائیں القوم الظالمين یہ کون سی حالت ہے نصب والی حالت ہے کیوں ترجمہ کیا ہو رہا ہے والله اور اللہ لا يهدي نہیں ہدایت دیتا کس کو القوم الظالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہدایت نہ ملنے کا ادھر حرف جر نہیں ہے تو وہ نصب ہی ہوگا جی قوم ایکچولی ہے ہی ایسا لفظ کہ جو سنگولر بھی تو آتا ہی نہیں ہے وہ جمع ہی کے لیے آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ لا يرضى نہیں راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوتا عن القوم الفاسقين یا حرف جر کے بعد آیا ہے تو یہ القوم الفاسقین آ رہا ہے قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے الى قوم مجرمین یہاں بھی الى حرف جر آیا ہے تو قوم مجرمین آیا ہے تو ان جملوں کو دہرائیں والله لا يهدي القوم الظالمين فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين جی کہاں زیر آ رہی جی جی اچھا قوم جو ہے نا منصوب حالت ہے نا نصب والی حالت ہے یہ مان رہے ہیں آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے تو جب آبجیکٹ کے طور پر آتا ہے تو وہ نصب والی حالت میں ہوتا ہے القوم ایسا لفظ تھا کہ جس کے اوپر ہم نصب کو زبر کے ساتھ شو کر سکتے تھے تو ہم نے وہاں زبر لگا دی لیکن الظالمین ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ہم اس کو زبر کے ساتھ شو کریں وہاں ہم نے یا کے ساتھ شو کیے تو ہیں یہ دونوں منصوب نصب والی فارم میں لیکن دونوں کی ٹائپ چونکہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایک سمپل عام لفظ ہے جیسے مسلمن زیدن کتابن ہے تو وہ کتابن آئے گا مسلمن آئے گا زیدن آئے گا لیکن الظالمین ایک خاص ٹرم ہے جمع والی تو جمع کی ابھی ہم نے بات کی کہ اگر وہ رفع کی حالت ہوگی تو واو کے ساتھ آئے گی ظالمونا اور نصب ہوگی تو پھر وہ یا کے ساتھ آئے گی ظالمینا
तो यहाँ पर नसब या दिखा रहा है, या के साथ जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये नसब के साथ आया। अलकाउमु अगर होता तो फिर अजालिमून आता जी। सर हम इसको इस तरह से समझने के लिए कर सकते हैं कि जैसे पहली हमने एग्जांपल ली वल्लाहु ला यादिल कौम ज़ालिमीना, हमें ये समझ में आ रहा है कि अल कौम ज़ालिमीना एक जोड़ी है, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास ये है, दूसरे नीचे वाली दे लिख लेते हैं कालू इन्ना उर्सिलना इला कौमी मुजरिमीना, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो जोड़ी है वो कौमी मुजरिमीना है जी। हम ये देखें कि इस जोड़ी के पीछे कौन बैठा है, अगर फाइल बैठा है तो ये मंसूब होगी, ये मफूल होगा, ठीक है, और फाइल हालत रफा में होगा जी। और अगर हर्फ जर उसके पीछे बैठा है जी, तो ये जोड़ी पूरी जो है वो हालत जर में होगी, मजरूर होगी। बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर है सबको कि कोई भी अगर आ रहा है अलकौम अज़्ज़ालिमीन या अलकौम अज़्ज़ालिमीन आ रहा है तो उस सूरत में हम पीछे देखेंगे कि उसके पीछे क्या है। अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो वो मंसूब होगा, और अगर उससे पहले कोई हर्फ जर है तो फिर वो हालत जर में आ रहा है, उसको मजरूर कहेंगे। अगर हर्फ जर है तो ये मजरूर होगा, और अगर उसके पीछे फाइल है जो कि मरफू हालत में है तो यानी कि ऑब्जेक्ट है तो उस सूरत में ये मंसूब होगा, ये सब की हालत जी। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन मुकम्मल हुआ पहला।